Hello everyone, in this video we will cover the chapter number 2 of class 7th, that is nutrition in animals. Till now we have started with the digestion in human beings and we have already discussed about the teeth that are a part of buccal cavity. Now the remaining two parts of the buccal cavity are salivary gland and the tongue. So in this video we will discuss about the buccal cavity in details. In the last video, we have already discussed about the various type of teeth that are present in the human body. Now, we will talk about the two types of teeth, that is permanent teeth and the temporary teeth. So, let's start with the session. In human beings, the teeth grow twice. So, jo human beings hai, matlab jo insaan hai, uske andar jo daant hai, wo do baar rukte hai pure lifetime mein. The temporary set of teeth grow when the child is in the age group of 6 to 8 year. तो मतलब जो temporary set of जो temporary दांत आते हैं किसी भी बच्चे के अंदर वो कब से कब तक आते हैं? जब वो बच्चा 6 महीने का होता है तब से लेके और कब तक रहते हैं? जब तक वो बच्चा 8 साल का हो जाता है. तो ये 6 महीने से लेके 8 साल तक के time duration के बीच में जो बच्चे के अंदर दांत प्रेजेंट होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? टेम्पररी टिथ्स बोलते हैं. दिस सेट ऑफ टिथ इज कॉल्ड द मिल्क टिथ. और ये जो ऐसे दांत जो कि 6 महीने से लेके 8 साल की उम्र के बीच में आते हैं हम इनको क्या बोलते हैं? मिल्क टिथ, मतलब दूध के दांत भी हम इनको बोलते हैं. दीज टिथ आर स्मॉलर एंड वीकर. तो ये जो मिल्क टिथ हैं, जो दूध वाले दांत हैं, ये कैसे होते हैं? जो नॉर्मल साइज होते हैं उससे थोड़ा सा छोटे होते हैं और वीक होते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं. तो इसका मतलब ये कि जो बाद में जो दांत आएंगे वो कैसे होंगे? वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे और इनके साइज से भी थोड़े से ज़्यादा बड़े भी होंगे. देयर आर 20 इन नंबर, 10 इन द अपर जॉ एंड 10 इन द लोअर जॉ. तब हम बात करें टेम्पररी टिथ की, तो कितना नंबर प्रेजेंट होता है, कहाँ इनकी लोकेशन होती है और कौन कौन से टाइप हैं वो हम पढ़ते हैं. तो ये जो टेम्पररी टिथ है जिनको हम दूध के दांत भी बोल रहे हैं, इनका टोटल नंबर कितना होता है? 20. तो इसका मतलब ये हमारी जो जॉ होती है उसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है अपर जॉ और दूसरी होती है लोअर जॉ. तो ये जो अपर जॉ होती है इसके अंदर 10 दांत प्रेजेंट होते हैं और जो लोअर जॉ होती है उसमें भी 10 दांत प्रेजेंट होते हैं. तो इन टोटल कितने हो गए? 20 टिथ्स हो गए. अब ये जो 20 टिथ्स हैं, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि जो दांत थे वो चार टाइप के थे. कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर. तो अब अगर हम टेम्पररी टिथ की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये जो 20 दांत हैं इनमें से जो 10 है ऊपर अपर जो वाले की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर चार तो इंसीजर्स प्रेजेंट होंगे, दो इनके अंदर कैनाइंस प्रेजेंट होंगे और चार इसके अंदर मोलर टिथ्स प्रेजेंट होंगे. मतलब यहाँ कौन से दांत नहीं हैं? प्री मोलर वाले जो टिथ हैं वो यहाँ टेम्पररी सेट ऑफ टिथ में प्रेजेंट नहीं हैं. द टिथ ग्रो अगेन आफ्टर द मिल्क टिथ फॉल आउट. तो हमने क्या बोला कि जो दूध के दांत थे वो कितनी उम्र तक के थे? 8 साल तक वो रह रहे थे. तो 8 साल के बाद क्या होगा कि ये जो टेम्पररी टिथ हैं, जो दूध के दांत हैं, वो गिर जाएंगे और उनको कौन रिप्लेस करेगा? फिर परमानेंट टिथ. तो ये जो हमारे मिल्क टिथ हुए ये कौन से हुए? फर्स्ट सेट ऑफ टिथ हुए ये. द सेकेंड सेट ऑफ टिथ इज कॉल्ड परमानेंट टिथ. और जो दूसरा सेट आएगा जब दूध के दांत गिर जाने के बाद जो नए दांत आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट टिथ. दीज टिथ रिमेन टिल ओल्ड एज. और ये जो परमानेंट दांत हैं फिर ये जो हमारी ओल्ड एज, मतलब जो बुढ़ापे का टाइम होता है तब तक ये वैसे के वैसे ही रहते हैं. द परमानेंट टिथ कांट बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू नेचुरल टिथ. और अगर बाई चांस किसी भी कारण की वजह से ये परमानेंट टिथ है क्या हो गए, टूट गए या किसी भी वजह से डैमेज हो गए, तो इनकी जगह कभी भी जो नए दांत हैं
जो नेचुरल तरीके से के जो नए दांत होते हैं वो नहीं आ पाएंगे। अगर हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, अगर हमारे परमानेंट टीथ टूट गए हैं तो हम आर्टिफिशियली किसी डेंटिस्ट के पास जाके जो आर्टिफिशियली मेड जो टीथ्स हैं, जो दांत हैं, उनको लगवा सकते हैं। पर किसी भी कंडीशन में यहाँ जो नेचुरल दांत हैं वो दोबारा नहीं आएंगे अगर एक बार परमानेंट टीथ टूट गए तो। दीज आर 20-32 इन नंबर, 16 इन दी अपर जॉ। तो ये जो परमानेंट टीथ हैं इनका टोटल नंबर कितना होता है? 32, मतलब 32 दांत होते हैं टोटल। किसी भी 8 साल के या 9 साल की उम्र के बच्चे से जितने भी उससे जो बड़े लोग हैं सबके अंदर इन टोटल 32 टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 32 हैं इनमें से दो जॉ होंगे हमारे पास, एक अपर जॉ होगी और दूसरी लोअर जॉ होगी। तो अपर जॉ में कितने प्रेजेंट होंगे, मतलब इस 32 का हाफ, तो 16। तो अपर जॉ में होंगे 16 दांत और जो लोअर जॉ है उसमें भी कितने होंगे, 16 दांत होंगे। अब ये जो 16 दांत हैं इनमें से कौन कौन से कितने कितने प्रेजेंट होंगे ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो अपर जॉ में पहले तो 4 क्या होंगे, इनसीजर्स होंगे जिनको हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं। उसके बाद कौन आएंगे, 2 केनाइंस आएंगे, फिर 4 प्री मोलर्स आएंगे और 6 मोलर्स आएंगे। तो इन टोटल ये कितने हो गए, 16। तो ये तो कौन से थे, अपर जॉ में प्रेजेंट थे। और बिल्कुल इन्हीं के जैसे ही जो लोअर जॉ होती है उसके अंदर भी 16 दांत प्रेजेंट होते हैं, तो इन टोटल 32 हो गए। अब अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए जो टेम्पररी टीथ है और जो परमानेंट टीथ है उनके बीच में, तो क्या क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहला तो ये कि जो मिल्क टीथ हैं वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ हैं और जो परमानेंट हैं वो क्या हैं, सेकंड सेट ऑफ टीथ हैं। जो टेम्पररी हैं वो क्या होते हैं, एक टाइम के बाद हट जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। पर जो परमानेंट टीथ होते हैं वो कभी भी नहीं गिरते हैं कि जो ओल्ड एज होती है वहाँ तक। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो मिल्क टीथ हैं जब वो टूट जाते हैं तो उनको कौन रिप्लेस करता है, परमानेंट टीथ। पर जो परमानेंट टीथ अगर टूट गए तो उनको कभी भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो मिल्क टीथ है इनकी नॉर्मल एज कितनी है, 6 महीने से लेके 8 साल तक। वहीं जो परमानेंट टीथ हैं उनकी एज कितनी है, 8 साल से लेके ओल्डर एज तक। जो टेम्पररी टीथ है उनका टोटल नंबर कितना होता है, 20, और इनमें से 10 अपर जॉ में होंगे और 10 लोअर जॉ में प्रेजेंट होंगे। अपर जॉ में जो दांत होंगे उनमें से कौन कौन से टाइप के होंगे, 4 इनसीजर्स होंगे, 2 केनाइन होंगे और 4 मोलर होंगे। वहीं अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो उसके पास क्या होगा, 4 तो उसके पास इनसीजर्स प्रेजेंट होंगे, 2 केनाइन होंगे, 4 प्री मोलर और 6 मोलर दांत उसके पास प्रेजेंट होंगे। अब ये हैं जो टोटल हमारा जो टीथ का जो मॉडल है वो, ये एक जॉ है, कोई भी अपर या लोअर जॉ आप लगा लो। इसमें जो स्टार्टिंग वाले जो 4 दांत हैं बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, वो कौन से हैं, इनसीजर्स। अब ये 4 दांत तो हो गए, अब ये अगला कौन सा है, ये वाले दांत, ये कौन से हैं, केनाइन। केनाइन के बाद कौन से आएंगे, जो अगले दो दांत होंगे वो कौन से होंगे, मोलर्स होंगे। और जो मोलर्स होंगे, मोलर्स के बाद में जो 3 दांत बचेंगे कौन से होंगे, वो जो ऊपर वाले थे वो प्री मोलर्स थे और ये कौन होंगे, मोलर दांत प्रेजेंट होंगे। मतलब सबसे पहले इनसीजर्स 4 हैं, फिर आएंगे केनाइन वो 2 हैं, फिर आएंगे प्री मोलर्स वो कितने हैं, 4, और फिर लास्ट में कौन आएगा, मोलर, और वो कितने होंगे, 6 इन टोटल नंबर एक जॉ के अंदर। और जब ये टोटल कितने हो गए, 16। अपर जॉ, अब लोअर जॉ में भी कितने होंगे, 16। तो टोटल इनका कितना हुआ, 32 टीथ टोटल इनका हुआ। अब हम पढ़ते हैं टूथ डीके के बारे में। व्हेन वी ईट फूड स्मॉल बाइट ऑफ इट गेट स्टक बिटवीन आर टीथ। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो खाने का छोटा मोटा जो हिस्सा होता है वो दांतों के बीच में फंस जाता है बहुत बार। समटाइम्स दिस बाइट ऑफ फूड स्टे बिटवीन आर टीथ इफ वी डू नॉट ब्रश आर टीथ
केयरफुली. तो बहुत बार क्या होता है कि जो खाने जो बच गया फंस गया है हमारे दांतों के बीच में वो वहीं का वहीं फंसा रह जाता है अगर हम उसको ब्रश करके नहीं निकालेंगे तो. इसीलिए हमको बार बार बोला जाता है कि हमको डेली ब्रश करनी चाहिए. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आर माउथ रिच विद द लेफ्ट ओवर फूड इन द सलाइवा एंड फॉर्म अ थिन स्टिकी लेयर कॉल्ड प्लाक ऑन द सर्फेस ऑफ द टीथ. तो हमने पहले बात करी थी कि हमारे जो माउथ है हमारा जो मुंह है वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं. अब वो जो खाना हमने खाया वो कहाँ फंस चुका है, दांतों के बीच में. अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, वहाँ दांतों के बीच में जाएंगे और वो जो बचा खुचा खाना है क्या कर लेंगे, उसके ऊपर खाना शुरू करेंगे और उसको जब उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी, एक पतली सी लेयर बन जाएगी और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, प्लाक बोलते हैं हम उसको. मतलब ये कि हमने खाना खाया अगर वो दांतों के बीच फंसा रह गया तो बैक्टीरिया उसके ऊपर आके एक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, एक पतली सी लेयर बना लेंगे और उस पतली सी लेयर को हम क्या बोलेंगे, प्लाक बोलेंगे. और वो कहाँ बनेगी, जो दांत है उनके सरफेस के ऊपर बनेगी. दिस प्लाक इफ नॉट रिमूव्ड बाय द ब्रशिंग फॉर्म द एसिड विद शुगर प्रेजेंट इन द फूड. तब ये जो बिल्कुल पतली सी लेयर बनी है जिसको हमने क्या बोला है, प्लाक बोला है, अगर इसको ब्रश करके रिमूव नहीं किया गया, उसको ब्रश करके नहीं हटाया गया तो वो क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा. किसके साथ, जो खाने के अंदर शुगर प्रेजेंट थी उसके साथ मिलके एसिड बना लेगा. दिस एसिड अफेक्ट द टूथ एनेमल. अब ये जो एसिड बना है ये क्या करेगा, जो टूथ की जो इनेमल है उसको धीरे धीरे ख़राब करने लग जाएगा. इनेमल क्या होती है, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी. इनेमल जो बिल्कुल वाइट कलर की जो हार्ड सब्सटेंस होती है जो कि हमारे दांतों के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो दांतों की कवरिंग होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं. दे कॉज होल्स और द कैविटीज इन द इनेमल. और अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो इनेमल है उसके अंदर होल्स बनाना, छेद बनाना शुरू कर देंगे. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके. और इसको हम क्या बोलते हैं, टूथ डीके. अब क्या होगा, जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ खाना फंसा रह गया था तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस कैविटी के अंदर बैक्टीरियाज ने काम करना शुरू किया, यहाँ एसिड बना और एसिड की वजह से अब क्या हो रहा है, ये जो डीके हो रही है क्या हो रही है, धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है और ये फैलती फैलती हमारे पूरे दांत को ख़राब कर देगी और ऐसे सिचुएशन में हमको ये पूरा का पूरा दांत निकलवाना भी पड़ सकता है. एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द प्लम्प गॉट एक्सपोज्ड. तो अब इससे क्या होगा, ये टूथ, ये जो इनेमल है इसके अंदर छेद हो चुके हैं तो इसकी वजह से जो भी नर्व्स या फिर जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक्सपोज हो जाएंगी और चीज़ों के लिए. सो व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग केम इन कॉन्टेक्ट विद दोज एक्सपोज नर्व वी फील पेन. और बहुत बार क्या होता है, जब भी हम कोई ठंडा या गर्म चीज़ खाएंगे और वो चीज़ जो ब्लड वेसल्स हैं अगर उसके कॉन्टेक्ट में आएंगी तो हमको फिर क्या होगा, पेन फील होगा. तो वो जो दांतों में दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, प्लाक बनने की वजह से. और प्लाक कब बनता है, जब खाना दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और हम ब्रश करके उसको नहीं निकालते हैं. द टूथ डीके कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. तो ये जो टूथ डीके है इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दांतों के अंदर होल्स बन सकते हैं, फाउल स्मेल मतलब जो गंदी बदबू आती है मुँह से वो आ सकती है, दांत भी झड़ सकते हैं, इसके अलावा दांतों में दर्द भी हो सकता है और बहुत बार थोड़ा बहुत स्टमक के अंदर भी पेन हो सकता है कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर. अब हम बात करते हैं हमारी बकल कैविटी के सेकेंड पार्ट की. और वो सेकेंड पार्ट कौन सा है, टंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जीभ. द टंग इज अ फ्लशी मस्क्यूलर ऑर्गन अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी. तो ये जो टंग है ये क्या है, बहुत फ्लैशी सा और एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है. मतलब ये जो हमारी जीभ है ये बहुत सारी मसल्स से मिलके बनी है. और ये किस चीज़ के साथ अटैच है, जो हमारी बकल कैविटी का जो अंदर की तरफ जो फ्लोर होता है उसके साथ ये अटैच्ड है. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन. तो हमारी जो दांत, जो हमारी जीभ है, जो उसका आगे वाला पोर्शन होता है
वो कैसा होता है? बिल्कुल फ्री होता है। इसी वजह से हम हमारी जीभ को किसी भी डायरेक्शन के अंदर किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। द टंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। तो जो जीभ है उसके कुछ फंक्शंस हैं, हम उनको देखते हैं। पहला है, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ द फूड विद सलाइवा। तो सबसे पहला क्या करेगी, जो खाना है उसको सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करवाएगी जब हम खाना खाते हैं। इट हेल्प्स इन पुशिंग एंड द स्वेलिंग फूड इनटू द फूड पाइप। इसके अलावा जो खाना है उसको अंदर धकेलने के लिए भी जो ये टंग है ये मदद करती है, सो दैट कि जो खाना है वो हमारे मुंह से कहाँ जा सके, जो खाने वाली पाइप है उसके अंदर ईजिली जा सके। तीसरा है, इट हेल्प्स इन गेटिंग द डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। इसके अलावा ये क्या करती है, खाने के अंदर कैसा टेस्ट है, मतलब सॉल्टी है, शुगर है, स्पाइसी है या बिटर है, कोई भी जो टेस्ट है वो सारा कौन करवाएगा टेस्ट, जो टंग है वो टेस्ट करवाएगी। इट हैज़ सेवरल टेस्ट बड दैट कैन डिस्टिंग्विश फोर टाइप ऑफ टेस्ट इन द फूड। तो हमारी जो जीभ है उसके अंदर चार तरीके के टेस्ट टेस्ट करने वाली जो बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो खाने के अंदर चार अलग अलग टाइप के टेस्ट को पहचान सकती हैं। जैसे कि सबसे पहला है सॉल्टी, मतलब कितना ज़्यादा उसमें नमक प्रेजेंट है वो पता लगा सकती हैं। दूसरा पता लगा सकती हैं शोर कितना है वो, या फिर बिटर कैसा है, मतलब कितना कड़वा है वो, या फिर वो मीठा है कि उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है। तो ये कुछ टाइप के जो टेस्ट बड हैं वो जीभ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो पांचवा फंक्शन होता है जीभ का वो ये है कि वो हमें बोलने में मदद करवाती है। द नेक्स्ट पार्ट इज सलाइवरी ग्लैंड। द सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस सलाइवा। तो जो सलाइवा है जो कि जीभ खाने के साथ मिक्स करती है वो कहाँ से आता है, सलाइवरी ग्लैंड से आता है सलाइवा। तो यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सलाइवा है वो कहाँ से, कौन सा ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करता है। तो सही आंसर क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड द अमाइलेज। और ये जो सलाइवा है इसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा है, अमाइलेज उस एंजाइम का नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ, एंड दैट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू द शुगर। और ये जो एंजाइम प्रेजेंट है सलाइवा के अंदर ये क्या करेगा, जो खाने में जो स्टार्च का कंटेंट है, जितना भी स्टार्च है उसको शुगर के अंदर तोड़ देगा। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, चार क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। सबसे पहला, सलाइवा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो सलाइवा है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो कौन सा एंजाइम होगा, अमाइलेज एंजाइम। तीसरी चीज़ ये पूछी जा सकती है कि जो अमाइलेज है ये करता क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या करता है, स्टार्च को शुगर के अंदर तोड़ देता है। द सलाइवा ऑल्सो मेक्स द फूड वेट एंड स्लाइमी सो इट कैन बी ईजिली स्वेलोड। और इसके अलावा जो सलाइवा है वो और क्या करता है, खाने को वेट करता है, मतलब खाने को गीला करता है, सो दैट कि हमें उसको निगलने में आसानी हो सके। विद दिस द पार्ट ऑफ बकल कैविटी आर कंप्लीटेड। तो एक बार अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा है टेम्प्ररी और परमानेंट टीथ। तो इंसानों के अंदर जो दांत हैं वो दो बार उगते हैं। पहला है टेम्प्ररी, वो कब उगते हैं, 6 से 8 साल की उम्र में, जिनको हम और क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, मतलब दूध वाले दांत भी बोलते हैं। ये जो टेम्प्ररी टीथ है, टोटल नंबर कितना होता है, 20। 10 होंगे अपर वाली जॉ में, 10 होंगे लोअर वाली जॉ में। और ये जो टेम्प्ररी टीथ होते हैं कैसे होते हैं, थोड़े छोटे साइज के होते हैं और कमज़ोर होते हैं। वहीं इसका उलट कौन से होते हैं, बिल्कुल परमानेंट टीथ। तो ये जो परमानेंट टीथ हैं इनको दोबारा से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मतलब ये अगर एक बार टूट गए तो इनकी जगह फिर जो नए दांत हैं वो कभी नहीं आएंगे। जो परमानेंट टीथ हैं उनका टोटल नंबर कितना होता है, 32, मतलब 32। 16 तो होंगे अपर जॉ में और 16 कहाँ होंगे, लोअर जॉ में। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज़ टंग। टंग क्या है,
एक फ्लैशी मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि बकल कैविटी के जो बिल्कुल इनर पार्ट है उसके साथ अटैच है। क्या क्या करता है ये? सलाइवा के साथ खाने को मिक्स करवाता है, खाने को अंदर धकेलने में मदद करवाता है, टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा जो टंग है वो टेस्ट भी प्रोवाइड करवाता है, और उसके अलावा जो एक और मेन चीज़ क्या है, उसको हम इंसानों को बोलने के लिए भी बहुत मदद करता है। अब जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा है? सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा को प्रोड्यूस करवाता है। जो सलाइवा होता है उसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाइलेज एंजाइम भी बोलते हैं। ये अमाइलेज एंजाइम करता क्या है? ये स्टार्च को शुगर के अंदर तोड़ देता है।